दोस्तों इस महीने हमें देश के दो युवा विधायकों को विवाह के सूत्र में बंधते हुए देखने का मौका मिलेगा। पंजाब के युवा विधायक अंगद सैनी और उत्तर प्रदेश की विधायक अदिति सिंह विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों विधायकों का संबंध कांग्रेस से है। दोनों ही अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए पहली बार विधायक चुने गए हैं। दोस्तों आज हम इस खूबसूरत जोड़े और इनके परिवार के बारे में बात करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इन दोनों प्रतिभाशाली युवा नेताओं को आशीर्वाद देने के लिए दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। चलो अब शुरू करते हैं। पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर से विधायक अंगद सिंह और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सदर सीट से विधायक अदिति सिंह का रिश्ता तय हो गया है। 21 नवंबर को नई दिल्ली में अंगद सिंह और अदिति सिंह का विवाह होना है। विवाह समारोह में परिवार के सदस्य ही शामिल होंगे। 25 नवंबर को नवांशहर के राहो रोड पर स्थित दोआबा आरएस स्कूल में विशाल रिसेप्शन का आयोजन किया जा रहा है। इस रिसेप्शन में जिले के सभी छोटे बड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। 23 नवंबर को चंडीगढ़ या दिल्ली में खास लोगों के लिए पार्टी के आयोजन की बात भी सामने आ रही है। अदिति सिंह पिछले साल सोशल मीडिया में राहुल गांधी के साथ सगाई की खबरों के बाद चर्चा में आई थी। अदिति सिंह ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा था कि राहुल गांधी उनके भाई जैसे हैं। रायबरेली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की संसदीय सीट है। अदिति सिंह के पिता अखिलेश प्रताप सिंह को सोनिया गांधी के नजदीक माना जाता है। अखिलेश प्रताप सिंह ने 5 बार रायबरेली सदर से जीत हासिल की थी। अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए 2017 में अदिति सिंह ने चुनाव लड़ा और भाजपा की लहर के बाद भी 90,000 मतों से जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में अदिति सिंह का नाम कांग्रेस के उत्तर प्रदेश की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल था। पिछले महीने कांग्रेस के बायकॉट के बाद भी अदिति सिंह विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल हुई थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के स्टैंड के विपरीत अदिति सिंह ने धारा 370 खत्म करने का भी स्वागत किया था। इससे अदिति सिंह के भाजपा के नजदीक होने की अटकलें शुरू हो गई थी। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अदिति सिंह को वाई प्लस सुरक्षा देने से भी इन अटकलों को बल मिला था। वैसे अदिति सिंह को प्रियंका गांधी वाड्रा के नजदीक माना जाता है। आइए अब जरा अंगद सिंह के परिवार की बात कर लेते हैं। नवांशहर जिले की राजनीति पर पिछले 60 वर्ष से अंगद सैनी के परिवार का दबदबा है। 1962 में पहली बार अंगद सैनी के दादा दिलबाग सिंह नवांशहर से विधायक चुने गए थे। दिलबाग सिंह लगातार 6 बार नवांशहर से चुनकर विधानसभा में पहुंचे थे। 1997 में अंगद सैनी के चाचा चरणजीत सिंह विधायक चुने गए थे। 2002 में अंगद सैनी के पिता प्रकाश सिंह नवांशहर से चुनाव जीते थे। 2012 में अंगद सिंह की माता गुर इकबाल कौर ने जीत दर्ज की थी। 2017 में अंगद सैनी शहीद भगत सिंह नगर से जीतकर विधानसभा के सदस्य बने हैं। अंगद सैनी की शिक्षा शिमला के बिशप कॉन्वेंट स्कूल और मोहाली के यादविंद्रा पब्लिक स्कूल में हुई है। अदिति सिंह की शिक्षा अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी में हुई है। अंगद सैनी और अदिति सिंह के विवाह का कार्ड भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस हाई प्रोफाइल शादी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत अनेक बड़ी राजनीतिक हस्तियों के शामिल होने की चर्चा भी चल रही है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।